तो आई होप आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा, आपको वीडियोस बेनिफिशियल लग रही होंगी और अभी तक आपको कोर्स देखने में मजा आ रहा होगा। मेरे को पता लगा था कि यार काफी लोग बोल रहे हैं कि वीडियो की वॉल्यूम थोड़ी कम है, तो आप उसके लिए माइक यूज कर, वो ईयरफोन्स यूज कर लो और आपका ये सॉल्यूशन वो हो जाएगा इसका। मैंने जब टेस्ट किया था तो ऐसी मेरे को दिक्कत नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सब अपलोड कर दी थी। अब देखते हैं इन फ्यूचर अगर मुझे कोई सॉल्यूशन मिलता है इसका तो मैं वो कर दूंगा। तो फिलहाल काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये बताओ आप कि रिव्यूज का कैसे करना है। तो मैं आपको अपना एक लाइव अकाउंट दिखा रहा हूँ इस समय, ठीक है? ये देखो, ये इस तारीख को मैंने, इस वीक के आसपास मैंने अपनी एक नई प्रोफाइल बनाई थी, ठीक है? ये दूसरा अकाउंट है, अलग चीज होती है इस पे, और इसका इंटरनेट भी अलग है, सब कुछ अलग है। इनिशियली आई वॉन्ट रिकमेंड कि दो अकाउंट बनाना, बिल्कुल भी मत बनाना, पहले एक को ग्रो कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है? यहां से मैंने शुरू करी थी अपनी प्रोफाइल बनाना, जीरो इंप्रेशन है। यहाँ पे मैंने सब मेटा वगैरह डाला, एकदम अच्छे से कर दिया। ये अराउंड नवंबर की प्रोफाइल है, नवंबर 17 या 18 नवंबर के आसपास की प्रोफाइल है, और अभी अप्रैल हो रहा है, ठीक है? तो ये देखो, धीरे ये उसी दौरान में थी, नहीं ज्यादा वो आ रहे थे, क्या बोलते हैं, इंप्रेशंस, बहुत कम इंप्रेशंस आ रहे थे। बट मैं रेगुलर, जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छे से मैंने इमेजेस डाली थी, अच्छे से डिस्क्रिप्शन डाली थी, ऐप खोल के रखता था मैं, तब तक खुद ही देखता था। मैंने अपने जो मेरे टीममेट्स थे उनको मैंने नहीं दिया था अकाउंट, मैंने खुद ही संभाला इसको शुरू में, ठीक? मैं जो अपना दूसरा काम करता हूँ उसके साइड बाय साइड इसको चला रहा था। मीनवाइल जो मेरा मेन अकाउंट है वो मेरी टीम संभालती है। अब देखो, ये हल्का हल्का इंप्रेशन आने शुरू हुए इस पे, देख रहे हो, ग्रोथ हुई, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हुई, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हुई। फिर जब हम लेवल वन हो गए तो फिर देखो, है ना, एक हफ्ते में 1200 इंप्रेशन, एक हफ्ते में 800 इंप्रेशन, 500 इंप्रेशन, 500, और उससे पहले तो 500 भी नहीं आ रहे थे एक हफ्ते में, मतलब एक दिन के 40-50 इंप्रेशन भी नहीं आ रहे थे। और जब मैंने शुरू करा था तो 0 इंप्रेशन, फिर 10 इंप्रेशन, 20 इंप्रेशन, 30 इंप्रेशन, फिर नीचे भी गई थी प्रोफाइल, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, बट मेरे को पता था ये चीज काम करेगी, और मैंने वही सारी चीजें अपनी अप्लाई करके रखी, फोन खोल के रखा, जो भी अगर कोई बंदा आता था तो उससे अच्छे से बात करी। फिर मैंने जो मेन काम करना शुरू करा था, आफ्टर अ वीक जब मेरे पास थोड़े इंप्रेशन ऑटोमेटिकली आ गए थे, मैंने एक रिव्यू लिया अपने फ्रेंड से इंडिया से, दूसरा रिव्यू लिया इंडिया से अपने फ्रेंड से, $5 का लिया था, $120 का लिया था, और एकदम ओरिजिनल ऐसा लगना चाहिए भाई, चैट करी, कस्टम ऑर्डर बनाया और उसको फिर मैंने भेजा, उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट करा, मैंने 2 दिन बाद उसको कंप्लीट करके दे दिया। देन फिर मेरे पास एक पुराना क्लाइंट था, उससे मेरी फोन पे बात होती थी, मैंने उसको बोला कि यार एक $200 का, उसका कुछ काम भी करा था मैंने, तो उसने एक $200 का ऑर्डर मेरे को दिया, ठीक है? फिर मेरे को धीरे धीरे ग्रोथ दिखने लगा, मेरे पास 3 रिव्यू आ गए। इस दौरान एक आधा ऑर्डर अपने आप आ गया, 4 रिव्यू हो गए। मैंने एक दो मेरे फ्रेंड था एक, उसके पास आईडीज पड़ी थी बाहर की, जर्मनी की और यूएसए वगैरह की, वो ली, वहां पेमेंट करी। अब हर पेमेंट के लिए मैं अलग अलग कार्ड यूज करता था, अलग अलग पेपाल यूज करता था, मैंने कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं रखा कि यार एक ही अकाउंट में, मान लो जो मेरा पिछला अकाउंट है ना उससे ये आप दूर दूर तक लिंक नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक भी ऐसा रिव्यू नहीं होगा जो सिमिलर होगा जो एटलीस्ट मैंने लिया हुआ है, ठीक है? क्यों? क्योंकि फाइवर ऐसे पकड़ता है कि आपने एक अकाउंट इस आईपी पे खोला और दूसरा अकाउंट भी इस आईपी पे खोला, अब कॉमन रिव्यूज मिल रहे हैं अगर उसको, तो वो दोनों अकाउंट बैन करेगा, वो पूछेगा नहीं, अगर ये गलती से भी हो है ना तो भी नहीं पूछेगा, वो बैन कर देगा, ठीक है? तो हमें बहुत सेफ खेलना होता है कि हम पकड़े ना जाए, और एक बार जब 5-10 रिव्यूज हो जाते हैं उसके बाद तो आपको अपने आप ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, फिर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? नवंबर आया, ये नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर तक मेरे पास थोड़े से ऑर्डर्स मतलब आने लगे थे, और मैंने फिर भी रिव्यूज ले रहा था। कभी कभी ऐसा होता था 3 दिन तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था, तब भी मैं आराम से बैठा रहा था और रिव्यूज ले रहा था, और मैंने ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड भी नहीं करा, मैं चाहता था और जल्दी शुरू कर सकता था, बट क्योंकि मेरे पास काम था एनफ, तो
और सही चल रहा था तो मुझे इतना इशू नहीं था। मैं बस एक बैकअप बना के रखना चाहता था, कल को कुछ दिक्कत होती है, कभी बाई चांस मेरा अकाउंट बैन होता है तो हम लोग, ऐसा नहीं कि हम ऑफिस बंद करना पड़ जाए। ऑल्दो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे बाहर के भी क्लाइंट्स हैं और चीजें सॉर्टेड है, बट स्टिल एक बैकअप होना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गए, फिर नीचे कम हो गए, देखो कम हो गए, कितने कम हो गए, 800 से लेके सीधा 500 पे आ गए, फिर धीरे से अपने आप ऊपर गया। फाइबर हमेशा ऐसे काम करते हैं जैसे स्टॉक मार्केट काम करती है ना, ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, बंदे प्रिपेयर होते हैं अच्छे से करते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये ऐसे 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 ही चलेगा। बट एवरेज आप देखोगे ना, 6 महीने में एक बंदा यहाँ से यहाँ ही ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। फाइवर ने बनाया ही सिस्टम अपना ऐसे, ऐसा नहीं कि आपको सीधा ही ऊपर भेज देगा, नहीं, और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कंपटीशन भी है, तो वो सब देखते हुए फाइवर देखता है कि यार कौन बंदा अच्छे से काम कर रहा है उसको ऊपर भेजेंगे। ठीक है, फिर ये टाइम निकलते निकलते हम फेब में आ गए, तब मुझे लेवल वन का सेलर का वो मिल गया था, क्या बोलते हैं, टैग, तब मेरे पास फिर तो भाई रेगुलर ऑर्डर्स आने लग गए। अभी भी मैं लेवल वन ही हूँ, लेवल टू नहीं हूँ, क्योंकि पहली गलती, मैंने जो अकाउंट बनाया था मैंने 17 तारीख को, इसकी वजह से क्या हुआ था, जो पहला महीना जो हमें 60 दिन करीब होते हैं ना, जो हमें एज अ सेलर बिताने होते हैं, वो नहीं हुए थे पूरे, ठीक 58 के आसपास आके रुक गया, तो 1 महीना मेरे को और एक्सटेंड करना पड़ा अगली 15 के लिए। फिर बीच में आ गया फरवरी, अब जब होता दोबारा 60 डेज चाहिए थे, जब मुझे दोबारा लेवल टू पे आता इस लास्ट मंथ 15 तारीख को, वो भी नहीं हो क्योंकि 28 दिन थे फेब में, ठीक है, तो 2 दिन और कम, तो इसलिए मैं 2 महीने पीछे चला गया, वरना 2 महीने पहले ही मैं लेवल टू होता। और ये यहाँ तो आप ये जो देख रहे हो इससे बहुत ज्यादा ऑर्डर होते हैं हमारे पास, ठीक है, बट कोई बात नहीं, मेरे को पता था कि ये गलती हमसे हो गई है, और बट प्रोफाइल अच्छी जा रही थी तो कोई ऐसा इशू नहीं है, राइट। तो आप जब भी अकाउंट बनाओ मेक श्योर 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में बनाओ, तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम आपके जो जल्दी जल्दी आप लेवल वन लेवल टू पे लेवल टॉप रेटेड सेलर पे अप्रूव हो सकते हो। ठीक है, ये गलती मैंने करी थी, आप मत करना। तो चलिए, तो फिर मैंने जब पहला रिव्यू ले लिया, दूसरा रिव्यू ले लिया, अपने जानने वालों से लिया, अपने फ्रेंड से लिया, मैंने कभी बाय नहीं करे थे रिव्यूज की, भाई किसी सेलर को पैसे दिए, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो सेलर्स होते हैं वो 5-5 रिव्यूज इकट्ठे देते हैं, वो 110% आपकी प्रोफाइल बंद करवा सकते हैं, तो वो अलाउड नहीं है, ये काम मत करना, पकड़े गए तो वार्निंग आएगी और फिर आप सिर्फ नीचे ही जाओगे और हो सकता है अकाउंट भी बैन कर दें, वो नहीं करना है। फ्रेंड्स को पकड़ो, फैमिली को पकड़ो, उनको बोलो कि यार मेरे को अपना कार्ड दो या फिर पेपाल पे पे करके ऑर्डर लें, और आप उनको रिमबर्स कर देना वापस, ठीक है, तो फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी प्रोफाइल कैसे ऊपर जाती है। शुरुआत के 2-3 महीने मेरे ऐसे निकले, बट उसके बाद अब देखो 10,000 इंप्रेशन, 10 अब दिन के इतने इतने इंप्रेशन हो गए, फिर थोड़ा सा नीचे या फिर वापस से ऊपर, अभी वापस से ऊपर जाएगा, तो इस दौरान मैंने चेंजेस करे कि नहीं करे। अब जैसे आपको ये दिख रहा है गिग ड्यूरेशन अपडेटेड, एक्स्ट्राज अपडेटेड, डिस्क्रिप्शन अपडेटेड, तो मैं थोड़े बहुत चेंजेस करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि यार एफएक्यू कुछ नया डाल देना चाहिए, कुछ इशू हो, कभी लाइफ पोर्टफोलियो था एक मैंने वो बंद करा था, तो डिपेंड करता है कि अगर बहुत मेजर चेंजेस मैंने कभी नहीं करे, अगर छोटी मोटी मेरे को कोई चीज लगती है तो मैं वो चेंज कर देता हूँ, बट वरना नहीं करता, ठीक है। और आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि रिव्यू कैसे लेने हैं, फ्रेंड्स से लेने हैं, बाय नहीं करने हैं, दूसरे अकाउंट्स बना लो चाहे तो, यूएसए वगैरह के वीपीएन यूज करके, वीपीएन यूज करो, अकाउंट क्रिएट करो, और फिर एक अकाउंट बन जाएगा आपका। और मेक श्योर जो भी आप रिव्यू लेते हो, अगर आप खुद से भी दे रहे हो खुद को रिव्यू, आपकी आईपी सेम नहीं होनी चाहिए, डिवाइस सेम नहीं होना चाहिए, अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज कर लो, फ्रेंड्स का फोन यूज कर लो, आईपी अलग होनी चाहिए, और आपका जो मेन अकाउंट है उसकी आईपी, उसका जो कनेक्शन है, कभी क्लैश ना हो, अगर हो गया और आप पकड़े गए आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है, तो बैन नहीं कराना अकाउंट, तो मेक श्योर
आप कभी भी सेम आईपी एक ही अकाउंट पे यूज ना करें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आईपीज एक अकाउंट से कनेक्ट ना करें, एक ही आईपी रखो अपने कंप्यूटर की और चलाओ उसको, ठीक है। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है अकाउंट को ग्रो होने में, मगर जैसे जैसे आपके पास रिव्यूज आते रहेंगे अकाउंट ग्रो होता चला जाएगा। और ये भी नहीं कि आपके पास जीरो इंप्रेशन आ गए, 10-20 इंप्रेशन आ रहे हैं और आप रिव्यूज लिए जा रहे हो, वहां पे कन्वर्जन रेट नाम की चीज होती है, अगर आप अपनी ऐप आप देखोगे ना उसके अंदर आपको कन्वर्जन रेट दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ, ये देखो दूसरा अकाउंट का वो है, अब मेरी कन्वर्जन रेट यहाँ पे दिखा रहा है 1.26, ठीक है। अगर अब आपके इम्प्रेशन तो आ नहीं रहे हैं मगर आप रिव्यूज लिए जा रहे हो, तो आपका जो कन्वर्जन रेट है 20-30% हो जाएगा। उससे फाइवर को पता लग जाएगा कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इतनी कन्वर्जन रेट एवरेज नहीं होती है, ठीक है। तो वेट करना, एक रिव्यू ले लिया, वेट फॉर 2-3 डेज, उसको डिलीवर करो, आपके पास तब तक थोड़े इम्प्रेशन बढ़ेंगे। दूसरा रिव्यू लिया, फिर वेट, तीसरा रिव्यू लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, आपको इस कार्यक्रम में लग जाएंगे 2-3 हफ्ते। तरीके से काम करोगे एकदम अच्छे चलेगा। आप सोच रहे हो एक दिन में आप टेन्स ऑफ थाउजेंड डॉलर कमा लो, ऐसा नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। आपके सामने है कितना टाइम लगा यहाँ पे, और अब ऑटोमेटिक ऑर्डर आते हैं, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता ना कस्टम, मतलब वो जो बायर रिक्वेस्ट होती है वो तक भी नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर अपना सिस्टम अपनी साइड से चीजें सही कर लिया ना, तो मेरे को अपने आप ऑर्डर आएंगे, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा उसके लिए, ठीक। मेक श्योर आप किसी से वो रिव्यूज मत बाय करना, खुद लेना और अपने आप ऑर्डर लेना, दोस्तों को बोलना, और एक एक करके अलग अलग आईपी से, अलग अलग कंट्री के अकाउंट हो तो बहुत ही बढ़िया, उनसे ऑर्डर लेना, आपस में ले लिया अकाउंट जाएगा सबका, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा था कुछ लोग बोल रहे थे कि हम आपस में रिव्यूज एक्सचेंज कर लेते हैं, लेट्स से कि ए बी सी तीन लोग हैं, तीनों ने ऑर्डर आपस में वो चेंज कर लिए रिव्यूज, तो अगर इसने इसको भी दिया हुआ है, इसने इसको भी दिया, और फाइवर को समझ आ गया ना ये कुछ गड़बड़ हो रखी है, ठीक है, कि सब एक दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो सभी के अकाउंट उड़ा देगा, ठीक। तो ऐसा काम मत करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, दोस्तों को पकड़ो, वीपीएन लगा के अकाउंट बनाओ, क्रेडिट कार्ड ले लो किसी से, थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत होती है, मेरे को भी होती है, आज भी मैं अगर रिव्यूज देने शुरू करूँ ना मेरे को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मिलता नहीं है इतने आराम से दोस्त, और ऐसा कि भाई क्रेडिट कार्ड भी दे अकाउंट भी बना, इतनी मेहनत कोई नहीं करता दोस्त इतनी इजीली, ठीक है। बट आपको फिगर आउट करना है, 5-7 रिव्यू लेने हैं और उसके बाद सेट, ठीक है। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप में डालना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।